अल्टरनेटिंग करेंट देखिए करंट दो टाइप की होती हैं एक होती है डायरेक्ट करंट जो सिंपल बैटरी या सेल से चलती है और दूसरी होती है अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग करंट में लगातार करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है पोलरिटी बदलती रहती है अल्टरनेटिंग करंट को हम प्रोड्यूस करा सकते हैं अगर हम एक कॉल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराएं जैसे एक सर्कुलर कॉयल को डायमीटर के अलॉन्ग रोटेट कराएं तो आपको याद होगा जो ई एम एफ की वैल्यू आती थी वो नवाब साइन ओमेगा टी एन ओमेगा बी साइन ओमेगा टी अब आप देखिए जो साइन ओमेगा टी है वो एंगल था एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का अगर हम दो तो मैग्नेट रख दें उसके बीच में इसी कॉइल को रोटेट करें तो कंटिन्यूसली एंगल चेंज होगा और साइन ओमेगा डी की वैल्यू पहले जीरो से नाइन्टी पॉजिटिव नाइन्टी से वन पॉजिटिव फिर वन एटी से टू सेवेंटी 270 टू सेवेंटी से थ्री सिक्सटी नेगेटिव तो यानी कि हाफ़ साइकिल में जीरो से वन तक में जब आप आधा घुमा दोगे कोयल को तो हाफ साइकिल में पॉजिटिव ई एम एफ आ रहा है और हाफ साइकिल में निगेटिव ई एम एफ आ रहा है इसका मतलब ई एम एफ़ की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती है और वैसे भी एक पॉइंट याद रखिएगा साइन और कॉस के जो भी फंक्शन होते हैं सब पीरियडिक फंक्शन होते हैं पीरियडिक का मतलब होता है एक सर्टेन टाइम इंटरवल बाद एक निश्चित समय बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं तो जितने भी साइन और कॉस के फंक्शन होंगे सब पीरियडिक होंगे विद द पीरियड ऑफ टू पाई कहते हैं टू पाई यानी कि 360 डिग्री के बाद फिर से वही वैल्यू रिपीट होती है तो साइन कॉस के फंक्शन पीरियडिक होते हैं तो ये हर एक सर्टेन टाइम इंटरवल बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करेंगे तो वही हम कहते हैं ऐसे अल्टरनेट एक निश्चित अंतराल बाद एक एक दिन बाद अल्टरनेट का मतलब होता है एक दिन बाद तो वही वैल्यू फिर से रिपीट होती है इसीलिए इसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं या अल्टरनेटिंग ईएमएफ कहते हैं ये कैसे प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉयल को डायमीटर के अलॉन्ग हम घुमाते हैं तो ईएमएफ वेरिएबल होता है तो

भी तो याद रहता है तो नवाब इसको हम ई e नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ की इक्वेशन आप लिख सकते हो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और अगर करंट होती सर्किट कंप्लीट होता तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी दिस इज बेसिक इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड अल्टरनेटिंग करंट एसी अगर हम एवरेज वैल्यू निकाले अल्टरनेटिंग करंट की या ईएमएफ की तो फॉर अ कंप्लीट साइकिल वो जीरो होगी क्योंकि हाफ साइकिल में वो पॉजिटिव होती है और नेक्स्ट हाफ साइकिल में वो निगेटिव होती है तो ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाता है तो एवरेज वैल्यू जीरो आती है हां एवरेज वैल्यू फॉर द हाफ साइकिल अगर फाइंड करें सिर्फ तो वो आती है टू अपॉन पाई इंटू ई नॉट ये ई एम एफ की है और टू अपॉन पाई इंटू आई नॉट ये करेंट की है तो ये हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू होती है हां कई दफा पूछा जाता है क्या हाफ साइकिल के लिए भी एवरेज वैल्यू जीरो पॉसिबल है तो पॉसिबल हाँ, है कैसे अगर हम फोर्थ साइकिल साइकिल पॉजिटिव और वन फोर्थ निगेटिव ले तो दोनों मिला के तो हाफ हो जाएगा तो लेकिन वन फोर्थ पॉजिटिव है वन फोर्थ निगेटिव है तो जीरो हो जाएगा तो हाफ साइकिल के लिए भी एवरेज ईएमएफ या करंट की जीरो पॉसिबल है अगर हम वन फोर्थ पॉजिटिव नेगेटिव ले तो वो जीरो हो जाता है वैल्यू या बोलचाल वाली वैल्यू या व्यवहारिक वैल्यू एक्चुअल में जो वैल्यू हम बताते हैं ना बोल चाल की भाषा में कि अपने घर में 220 वोल्ट आ रहा है या करंट इतने एम्पेयर आ रही है एक्चुअल में दैट इज आरएमएस वैल्यू वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है

तो जो 220 वोल्ट का एसी से आपको करंट लगेगा ना वो ज्यादा खतरनाक होगा इज मोर डेंजरस क्योंकि 220 वोल्ट आरएमएस वैल्यू है तो इसमें आरएमएस अगर 220 है तो पीक वैल्यू होगी 220 ट्वेंटी इंटू रूट टू के बराबर इसका मतलब हुआ कि 220 वोल्ट की एसी एक झटका बीच में 311 वोल्ट का देती है टू ट्वेंटी इंटू रूट टू की वैल्यू थ्री हंड्रेड इलेवन के, के लगभग आती है तो ये ज्यादा खतरनाक है डायरेक्ट करंट तो दो सौ बीस का झटका देगी लेकिन दो सौ बीस वोल्ट का ए सी तो तीन सौ ग्यारह वोल्ट का एक झटका बीच में देगा तो ज़्यादा डेंजरस होती है इस अल्टरनेटिंग करंट अच्छा भाई अल्टरनेटिंग करंट को नापने के लिए हम हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं हॉट वायर गैल्वेनोमीटर हॉट वायर अमीटर इनका यूज किया जाता है अल्टरनेटिंग करंट मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती वो भले ही वो डीमैग्नेटाइज कर देती है भैया तो मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट के लिए हमको डायरेक्ट करेंट चाहिए होती है अब ए की बात करें एक कम्प्लीट साइकिल में दो बार मैक्सिमम होती है दो बार जीरो होती है तो एक फुल साइकिल में दो बार वैल्यू मैक्सिमम जाती है और दो बार जीरो जाती है एक टर्म आता है फेस डिफरेंस जैसे इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या कोई जनरल इक्वेशन हम बात करें ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा या आई इज इक्वल टू आई ये जो साइन या कॉस के साथ जो भी टर्म लिखे होते हैं ना उनको हम कहते हैं फेज एंगल क्या कहा जाता है फेज एंगल जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस जो ओमेगा टी प्लस एंगल और फेज एंगल के डिफरेंस को फेज डिफरेंस कहते हैं जैसे एक इक्वेशन सपोज करिए लिखी है पोटेंशियल लिखा है वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और करंट लिखा है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री तो पोटेंशियल का फेज एंगल है ओमेगा टी और करंट का फेज एंगल है ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री तो दोनों में डिफरेंस कितना है पाई बाई थ्री तो फेज डिफरेंस कहा जाएगा पाई बाई थ्री एक्चुअल फेज एंगल के डिफरेंस को फेज डिफरेंस कहते हैं अब कुछ बेसिक चीजें हमको पढ़नी है रिवाइज करनी है अल्टरनेटिंग करंट के बारे में कुछ टर्म्स हैं सबसे पहले रेजिस्टेंस अरे जब कभी कोई रजिस्टर अल्टरनेटिंग करंट के साथ लगा होता है तो जो अपोज क्रिएट करता उसको है उसको रजिस्टेंस कहते हैं करंट फ्लो का अपोस यूनिट होती है ओम अरे ये वही पुराना वाला रजिस्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला तो यूनिट होती है ओम आर से रिप्रेजेंट करते हैं रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज की बात करें तो वी इज इक्ल टू आई आर पीक वोल्टेज की बात करें तो वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इन टू आर वोल्टेज की बात करें तो वी आर एम एस इज इक्वल टू आई टू आर कोई इंडक्टर अल्टर में जुड़ा होता है तो उसके अपोज को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं अपोज है तो यूनिट इसकी भी होती है ओम एक्स एल से रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एल इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा एल ओमेगा अल्टरनेटिंग करंट की ओमेगा अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई एफ या टू पाई एन जब तक कुछ भी कह दो टू पाई फ्रीक्वेंसी एफ एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज जो भी आप जिस टर्म में भी बात करना चाहते हो तो वो वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी कहलाती है टू पाई एफ होता है ओमेगा अच्छा फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो एक्सेल की वैल्यू बढ़ेगी यानी कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की अल्टरनेटिंग करंट लगाई जाती है उतनी ज़्यादा अपोज बढ़ता है इंडक्टर का अब वोल्टेज निकालना हो तो V इज इक्वल टू तो आई एक्सेल वी आर एम एस इज इक्वल टू तो आई आर एम वी नॉट इज इंडक्टर का इंडक्टेंस फिर एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी से रिप्रेजेंट करते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इन सर्किट इज नोन की वैल्यू होती है, C. वही ओमेगा है टू पाई एफ. अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो एक्ससी की वैल्यू घटेगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है तो अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो कैपेसिटर का अपोज कम होता है और फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो इंडक्टर का अपोज बढ़ता है क्योंकि एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल उसके बाद एक टर्म आता है इंडक्टिव रिएक्टेंस द कंबाइंड सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं सिर्फ रिएक्टेंस रिएक्टेंस तो इसका मतलब होता है कंबाइंड अपोज ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर इन द एसी सर्किट कैपेसिटर भी लगा हो इंडक्टर भी लगा हो तो जो इसका कंबाइंड अपोज होता है अपोज होता है उसको हम कहते हैं रिएक्टेंस सिर्फ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट होती है X is equal to होता है ओम इज इक्वल टू होता एक बात ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट बात है कि कंबाइंड अपोज है लेकिन जो अपोज है वो एक्सएल प्लस एक्सी नहीं होता एक्सएल माइनस एक्सी होता है यानी कि ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी क्योंकि ऐसा होता इसलिए है कि नेचर अपोजिट है अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो इंडक्टर का अपोज बढ़ता है कैपेसिटर का अपोज घटता है इसीलिए माइनस किया जाता है अच्छा फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो सर्किट का नेचर इंडक्टिव होता जाता है क्योंकि इंडक्टर का अपोज बढ़ रहा है इंडक्टर का प्रभाव बढ़ रहा है अच्छा फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे तो कै सर्किट का नेचर कैपेसिटिव हो जाएगा क्योंकि अगर आप ओमेगा या एफ को कम करोगे तो जो एक्सी है वो बढ़ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी को घटाने पर कम करने पर डिक्रीज करने पर सर्किट का नेचर कैपेसिटिव हो जाता है वोल्टेज निकाला हूँ तो V इज इक्वल टू आई इन टू या V इज इक्वल टू आई इन टू माइनस हम तो का मल्टीप्लाई कर दे तो V इज इक्वल टू वी माइनस वी होता है ध्यान रखिएगा किरचाफ लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एसी क्योंकि अगर किरचाफ लॉ होता तो वोल्टेज V इज इक्वल टू वी एल प्लस वी सी होता जबकि यहाँ पे वी इज इक्वल टू वी एल माइनस वी सी है तो याद रखियेगाटिंग करेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता तो जो टोटल वोल्टेज आता है दैट इज एक्सएल माइनस एक्स फिर उसके बाद एक टर्म आता है दैट इज दैट इज इम्पीडेंस द कम्बाइंड अपोज ऑफ कैपेसिटर इंडक्टर एंड रजिस्टर इन ए सी सर्किट इज नोन एज इम्पीडेंस यानी पूरा सर्किट हो एल सी आर

और फॉर्मुलाई जेड और अगर वोल्टेज निकालना है तो v is equal to under root का स्क्वायर होल फिर से बोल रहा हूँ माइनस वी सी का होल स्क्वायर रूट पूरे में लगा हुआ है ध्यान रखिएगा अब एक टर्म आता है फेस डिफरेंस कैसे निकालते हैं टेन फाइव इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्सीन आर होता है एक्सएल माइनस एक्सीन आर एक एसी बनता है। उसमें बेस जो है, एंगल बनाते हैं बेस होता है आर परपेंडिकुलर होता है एक्स और जो है दैट इज जेड तो टेन फाइव इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर तो एक्स की जगह एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर रख देते हैं इससे हम फेज डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं फिर एक टर्म आता है क्वालिटी फैक्टर क्वालिटी फैक्टर टू होता है ए सी ट्रगल से ये निकालेंगे आर बाई जेड कॉस फाइव इज इक्वल टू आर बाई जेड हाँ अब यहां से एक टर्म और सुनिएगा दिस इज पावर फैक्टर पावर कंजन इन एसी सर्किट वी इंटू आई इंटू कॉस फाइव होता है वी इंटू आई इंटू कॉस फाइव या वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव ये होता है या वी नॉट वी आर एम एस की जगह वी नॉट बाई रूट टू आई आर एम एस की जगह आई नॉट बाई रूट टू कॉस फाइव तो फिर ये आ जाएगा वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव अपॉन टू दिस इज एवरेज पावर कंजम्पशन इन ए सी सर्किट अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी भी सर्किट में आर रजिस्टेंस जीरो होगा आर जीरो होगा तो कॉस फाइव इज इक्वल टू आर अपॉन जेड होता है तो कॉस फाइव जीरो आ जाएगा और अगर कॉस फाइव जीरो आ जाएगा तो पावर फैक्टर पावर एवरेज पावर जीरो आ जाएगी तो ऐसी सिचुएशन में जब सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं होता है सिर्फ इंडक्टर हो या सिर्फ कैपेसिटर हो या इंडक्टर और कैपेसिटर हो तो ऐसी सिचुएशन में जो भी करंट फ्लो करती है उसमें पावर कंजम्पशन नहीं होता है तो ऐसी करंट को हम कहते हैं वॉटलेस करंट वॉटहीन धारा वॉटलेस करंट। फिर से सुनिएगा अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा किसी सर्किट में तो जो करंट फ्लो होगी उसमें पावर कंजम्पशन नहीं होगा तो ऐसी करंट को कहा जाता है वॉटलेस करेंट इन धारा अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है फेजर डायग्राम यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच में कितना एंगल है ये रिप्रेजेंट करते हैं हम फेजर डायग्राम से इसके लिए हम वाई एक्सेस एक्स एक्स बना लें याद रखिएगा आप इसको समझ ही सकते हैं देख के एल आई सी एल वाई एक्सेस में है आई एक्स एक्सेस में है सी नीचे वाला नेगेटिव वाई एक्सेस में है तो एल आई सी बना लीजिए और क्लॉकवाइज चलना है कैसे चलना है क्लॉकवाइज एल आई सी एल आई सी जीवन के बाद भी जीवन के साथ भी भारतीय जीवन बीमा निगम ये याद रखिएगा थोड़ा सा एल आई सी अब एल में वी एल लिख लीजिए वीसी सी में वी सी लिख लीजिए और आई है करंट अब जैसे कभी पूछा जाए कि इंडक्टर हो किसी में किसी सर्किट में सिर्फ इंडक्टर हो तो एक वी एल और आई का ग्राफ बनेगा वी एल और आई में वी एल वाई एक्सिस ऊपर जो ऊपर होगा वो लीड करेगा और जो नीचे होगा उसको लैग मानते हैं तो वी एल ऊपर है फिर एक्स एक्सिस पे आई है फिर निगेटिव आई में वी सी है तो अगर जैसे इंडक्टर और इंडक्टर हो सर्किट में तो वोल्टेज लीड करता है क्योंकि ऊपर है या फिर कहते हैं करंट लैग करती है 90 डिग्री फेज डिफरेंस है साहब so सिर्फ कैपेसिटर हो तो वोल्टेज लैग करता है पीछे होता है क्योंकि निगेटिव वाई है ना तो वोल्टेज लैग करता है या फिर कह सकते हैं करंट लीड करती है ये आप देख के ही समझ सकते हो लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाऊ और अगर रजिस्टर होता है तो एक्स एक्सिस में ही वी होता है और आई भी होता है तो दोनों सेम फेज में होते हैं कुछ चीजों में आप याद रख सकते हो जैसे वी एल कभी ज्यादा हो वीसी से तो वोल्टेज लीड करेगा फाइव फेज डिफरेंस है और अगर वी एल कम हो वीसी से तो वोल्टेज लैग करेगा या कह सकते हो करंट लीड करेगी फाइव फेज डिफरेंस है और टेन फाइव की वैल्यू आप निकाल सकते हो टेन फाइव इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्स अपॉन आर फिर मोर आता है फॉर्म फैक्टर दैट इज आर एम एस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल आर एम एस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू इसकी वैल्यू होती है पाई अपॉन टू रूट टू पाई अपॉन टू रूट टू तो अगर कभी भी पूछे कितना अपॉन फिर एक टर्म, एक चीज आती है रेजोनेंस का एक्चुअल मतलब होता है कि देखिए जब दो फ्रीक्वेंसी आपस में मैच हो जाती है सेम हो जाती है एक ही सर्किट की एक ही जगह की तो हम कहते हैं रेजोनेंस हो गया और रेजोनेंस की सिचुएशन में जो भी चीज़ ऑसिलेट कर रही है जैसे करंट ऑसिलेट कर रही है या वोल्टेज ऑसिलेट कर रहा है या कोई बॉडी ही ऑसलेट कर रही है उसका एम्पलीट्यूड हाईली इंक्रीज हो जाता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तभी आपने ध्यान दिया होगा जब मिलिट्री वाले किसी पुल पर किसी ब्रिज पर क्रॉस करते हैं तो कहते हैं उनको जो लेफ़्ट राइट लेफ्ट राइट वो चलते हैं कहा कह दिया जाता है नॉर्मल चलो क्योंकि कई बार गलती से क्या होता है उनके लेफ्ट राइट करने की फ्रीक्वेंसी इतनी एग्जैक्ट होती है और वो जो पुल होता है ब्रिज होता है वो भी ऑसिलेट करता है दोनों आपस में अगर गलती से मैच हो गई तो पुल का जो ब्रिज का जो ऑसिलेशन की लिमिट है वो हाईली इंक्रीज हो जाएगी तो भैया वो पुल गिर जाएगा भाई टूट जाएगा ऑसिलेट ज़्यादा करेगा हाँ दुनिया में हर बॉडी ऑसिलेट करती है ब्रिज पे कभी खड़े होकर देखो आपको ऑसिलेशन फील आएगा कि हल्का हल्का ब्रिज हिल रहा है दैट इज ऑसिलेशन तो जब दो फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती हैं आप सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअल इसमें करंट ऑसिलेट करती है लगातार बढ़ती घटती रहती है ऑसिलेट होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट की वैल्यू होती है वन अपन अंडरवुड एल सी के बराबर एल इंडक्टेंस सी कैपेसिटेंस इतनी फ्रीक्वेंसी से करंट ऑसिलेट करती है अब आप सोचिए अगर हम बाहर से जो अल्टरनेटिंग करंट लगा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी भी हम इतनी ही लगा दें ओमेगा नॉट 1 अपॉन अंडर रूट एल सी तो यार दोनों फ्रीक्वेंसी आपस में मैच हो जाएंगी एक तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है L सर्किट की उससे तो करंट ऑसिलेट होती है L C सर्किट में और बाहर से भी जो फ्रीक्वेंसी लगाई वो दोनों मैच हो गई तो करंट इनफाइनाइट हो जाती है करंट का लिमिट जो है हाईली इंक्रीज हो जाता है इसको हम कहते हैं रेजोनेंस रेजोनेंस हो जाना क्या कहते हैं तो जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट होता है है तो करंट इनफाइनाइट की तरफ टेंड हो जाती है। ओमेगा नॉट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी लगाओगे तब भी करंट कम होगी कम लगाओगे तब भी करंट कम होगी तो आप इसे ग्राफ भी बना सकते हो आई और ओमेगा के बीच में कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पर मैक्सिमम है आगे चलोगे तब भी नीचे लेके आना हाइपरबोलिक पाथ में और पीछे आओगे तब भी हाइपरबोलिक पाथ में नीचे लेके आना रेजोनेंस इन रेजोर सर्किट अच्छा हाँ एक बात और इम्पोर्टेंट है कि होता क्या है जब आप ओमेगा ओमेगा नोट कर देते हो ना तो सिचुएशन में एक्सएल इज इक्वल टू हो जाता है एक्सी एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर तो जो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी अगर हो गया तो एक्स यानी कि रिएक्टेंस रिजल्टेंट कितना होगा दैट इज एक्सएल माइनस एक्सी वो हो जाएगा जीरो और वी होल टू आई इंटू एक्स होता है

खुद एसी की फ्रीक्वेंसी है दोनों आपस में मैच हो जाती हैं जिसकी वजह से करंट का एम्पलीट्यूड हाईली इंक्रीज हो जाता है रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट की बात कर रहे हैं एल सर्किट में भी यही है जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाएगा तो भाई आप देखिए इम्पीडेंस कितना होता है इम्पीडेंस इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर तो एक्सएल और एक्सी अगर इक्वल हो गए तो एक्सएल माइनस एक्सी जीरो हो गया तो इम्पीडेंस की वैल्यू सिर्फ आर हो जाती है तो इस सिचुएशन में अगर हम करंट निकालें V इज ईक्ल टू आई जेड से तो Z कितना हो गया R हो गया तो I इज इक्ल टू वी अपॉन आर तो एल सी आर सर्किट पर रेजोनेंस की सिचुएशन में जो करंट मैक्सिमम होती है दैट इज V अपॉन आर और जबकि एल सी सर्किट में करंट कितनी हो जाती है इनफाइनाइट रेजोनेंस की सिचुएशन पे. एक बात और Z कभी निगेटिव नहीं होता लेकिन हाँ x निगेटिव हो सकता है एक्स यानी कि सिर्फ रिएक्टेंस एक्सएल माइनस एक्सी अगर एक्सएल ज्यादा होगा तो पॉजिटिव रहेगा एक्सी से और अगर कम होगा से तो ये वैल्यू निगेटिव हो जाती है तो इसमें ये पॉसिबल है है हो सकता है, बट रूट, है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर है तो इसलिए z की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होती आता इसके देखो जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की अल्टरनेटिंग करेंट्स होती है ना वो वायर की सरफेस से क्रॉस हो जाती है सरफेस से पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से क्रॉस ही नहीं होती है तो इसको इफेक्ट को हम कहते हैं स्किन इफेक्ट स्किन मतलब चमड़ी सरफेस जो अपनी स्किन है ना दैट इज तो वो सरफेस ही तो मानी जाएगी बॉडी की तो जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की अल्टरनेटिंग करंट होती है वो स्किन से क्रॉस होती है यानी कि वायर की सरफेस से पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से क्रॉस नहीं होती अब इसके इसका एक यार वजह से एक काम करना पड़ता है हमको अल्टरनेटिंग करंट के लिए हमको मल्टीपल स्ट्रेंड के वायर चाहिए होते हैं डीसी के लिए कैसा भी वायर चलेगा लेकिन अल्टरनेटिंग के लिए मल्टीपल स्ट्रेंड वायर चाहिए होता है अब आप पूछेंगे क्यों मल्टीपल स्ट्रेंड क्या चीज होती है मल्टीपल स्ट्रेंड यार आप किसी भी वायर को जैसे जो अपने घर में वायर यूज होता है उसको छीलो आप देखो वो छोटे छोटे कई पतले पतले वायर से मिलकर बना होता है जो तो प्लास्टिक पार्ट को आप छील के हटा दो देखो कई वायर होते हैं आप सोचोगे यार एक ही वायर क्यों नहीं लगा दिया गया छोटे छोटे पतले पतले वायर क्यों जोड़े गए उसकी वजह उसकी वजह यह है कि अल्टरनेटिंग करंट की प्रॉपर्टी होती है अपने घरों में लगभग 50 हर्ट्ज की एसी आती है मजे की एसी मानी जाती है फ्रीक्वेंसी है तो अल्टरनेटिंग करंट की प्रॉपर्टी होती है कि वो सरफेस से क्रॉस हो रही है और जिसकी वजह से क्या होता है सरफेस एरिया से जब वो क्रॉस होती है तो एरिया यार ज्यादा होता है सरफेस एरिया पूरे अंदर से क्रॉस हो तो कम होगा लेकिन सरफेस सरफेस से क्रॉस हो रही है तो एरिया जो है वो सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाता है पूरे से क्रॉस हो देखो तो सरफेस से क्रॉस होगी तो जो सरफेस एरिया सिर्फ सरफेस सरफेस से चली गई तो जो नेट एरिया आएगा वो कम होगा और पूरे सर्फे पूरे क्रॉस सेक्शन से क्रॉस होगी तो नेट एरिया वो ज्यादा होगा तो अगर सरफेस एरिया कम हो गया तो बाबू रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा क्योंकि रो इज इक्वल टू रामलाल होता है तो आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए अगर ए कम करोगे तो जो रेजिस्टेंस से बढ़ गया और रेजिस्टेंस बढ़ गया तो यार लॉसेस बहुत ज्यादा होने लगेंगे तो क्या करते हैं एक मोटा वायर बनाने की बजाय पतले-पतले कई वायर बना दिए जाते हैं ताकि पतले-पतले वायर से सबके सरफेस से क्रॉस होगी तो आप समझ सकते हो कि पूरा सरफेस एरिया जुड़ेगा सब तो एक अगर मोटा वायर बनाने के बजाय हम पतले पतले वायर से क्रॉस कराएंगे सबकी सरफेस से क्रॉस होगी तो पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया लगभग कवर हो जाएगा भाई आप एक पत, आप ऐसे सोच लीजिए एक पाइप में आप पतले पतले वायर घुसेड़ के रख दें तो एक पूरे पाइप से क्रॉस तो होगी नहीं लेकिन अगर उसके अंदर पतले पतले वायर रख देंगे तो पूरे पूरे वायर से करंट क्रॉस होगी ना तो हम कहेंगे पूरा एरिया कवर कर रही है और जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस उतना ही कम हो जाएगा अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और सुनिए अगर किसी वायर में हम लोग के कीड़े होते दिमाग में तो एसी भी हम पास करा रहे हैं डीसी भी पास करा रहे हैं एसी पास करा रहे हैं मान लीजिए ए एंपियर और जो सॉरी एसी डीसी पास करा रहे हैं ए एंपियर और जो अल्टरनेटिंग करंट पास करा रहे हैं दैट इज बी साइन ओमेगा टी वो तो इक्वेशन होगी ना एसी की बी साइन ओमेगा टी तो आपसे पूछते हैं बताओ कितनी होगी ए भी पास करा रहे हैं और डी भी ए है बी साइन ओमेगा और डीसी है ए एम्पियर तो जो ई आई इफेक्टिव होता है वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे का बाई टू नहीं सिर्फ बी बाई बी स्क्वायर बाई टू तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू तो फिर से समझिएगा अंडर रूट तो कई बार कहते हैं कोई अल्टरनेटिंग करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो है अरे यार फ्रीक्वेंसी जीरो चेंज ही नहीं हो रही है टाइम पीरियड इनफाइनाइट होगा तो वो डीसी के बारे में बात कर रहे हैं तो कंफ्यूज करने के लिए देते हैं कि ए सी जीरो फ्रीक्वेंसी इसका मतलब कौन सी करंट है भैया डीसी डायरेक्ट करंट के बारे में बात हो रही है